आपको थोड़ा इंतज़ार कराया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है उसने, कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला, सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं, ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है, मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे,
उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं वो दोनों और दो कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि चार बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं के को, कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी। अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकाल कर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे।